लीजिए ताज़ा ताज़ा सब्जी, आइए लीजिए, कम भाव में दे रही हूँ। आइए देख जरा उसे, देख कैसे चिल्ला रही है, ताज़ी सब्जी, आइए ताज़ी सब्जी लीजिए। शुरू कर दिया इसने, अब सबका धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ ए, क्या बड़बड़ा रहा है, ये फेंक कर मारूंगी ना तो तेरा थोपड़ा बिगड़ जाएगा, संभाल कर बात कर। आइए ताज़ी सब्जी लीजिए, आइए आइए आइए। माँ जी ये कैसे दिए? ये 50 का है। 50 का है? अरे 50 सुनते ही आपका चेहरा क्यों उतर गया माँ जी, हार्ट अटैक से कहीं अब ऊपर ना पहुँच जाओ। तू 50 रुपए के लिए मरने को कह रही है? बढ़िया आई सब्जी बेचने, तू अपनी सब्जी अपने पास ही रख ले। हाँ हाँ जाइए माँ जी, आई बड़ी खरीदने वाली, आइए ताज़ी सब्जी लीजिए, आइए आइए, कम भाव की सब्जी है, आइए ताज़ी सब्जी लीजिए। टमाटर कितने रुपए किलो है बेटा? अरे बापरे, अगर ज्यादा भाव बोल दिया तो ये भी चली जाएगी। माँ जी ये 30 रुपए का है। हाँ इतना महंगा? अरे वो तो इसे सस्ते में दे रहा है। ऐसा है तो वहाँ से जाकर ले लीजिए ना, बढ़िया ही खरीदने वाली। लूटने के लिए बैठी है क्या? जाइए जाइए वहीं से खरीद लीजिए, जाइए। यहाँ तुम अकेली नहीं हो, सब्जी वाली और भी है। हाँ तो जाइए ना वहीं से खरीद लीजिए, सब सड़ा हुआ माल मिलेगा, देख लीजिए आप। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, सब सड़े हुए ग्राहक ही मिल रहे हैं, आज तो बोनी भी नहीं हुई। आइए आइए ताज़ी सब्जी लीजिए, आइए कम भाव में दे रही हूँ। फोन कौन है? हेलो, मैं होम मिनिस्टर संजय नायडू बोल रहा हूँ। क्या हुआ? तूने कहा था वो 10 एकड़ जमीन रजिस्ट्री करवा के दूंगा, अब क्यों देरी हो रही है? ज्यादा नाटक कर रहा है? अब तू संभल कर रहना, मैं अपने पॉलिटिकल पावर से तेरे पूरे बिजनेस को बर्बाद करके रख दूंगा, याद रखना। नो सर, ऐसा मत कीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए, पूरा पैसा वापस कर दूंगा। सर वो मिल्क फैक्ट्री वाले जो हमें शेयर देते हैं वो अब तक हमें नहीं दिए गए हैं। उसे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, लास्ट वार्निंग दे दे, और अगर फिर भी ना सुने तो उसकी कहानी मुझ तक पहुँचने से पहले उसे खत्म कर दे, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है सर, अभी मैं CM से मिलने जा रहा हूँ। आइए सर। माँ जी माँ जी, कहाँ हो मेरी प्यारी माँ जी? माँ जी, ओ माँ जी, क्यों इतना चिल्ला रही हो? आप यहाँ हो क्या? कहाँ है मेरा होने वाला पति, उसे देखकर 2 दिन हो गए हैं। अच्छा वो किसान बाजार के कागजात बनवाने के लिए घूम रहा है, कब आता है कब जाता है मुझे ही नहीं पता, तो तुझे कैसे बताऊं? हाँ ऐसा क्या, सच में? हाँ सच में। क्या बात है, इतनी मटक मटक कर बातें कर रही है? इस तरह से नहीं मटकूंगी ना तो किसी और को बीवी बनाकर घर ले आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो कुवारी रह जाऊंगी। मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का है, एकदम खरा सोना है। तुम तो हमेशा ऐसे ही कहती हो, मुझे तो यही डर रहता है वो घर पे किसी और को न ले आए, मेरी तो जिंदगी उजड़ जाएगी और कुछ करने के लिए बहुत देर हो जाएगी माँ जी। हाँ हंसती रहो, मैं चलती हूँ, अपने बेटे को कहना मैं आई थी। क्यों बेटी, कहाँ तक पहुँची तेरे प्यार की गाड़ी? बॉस है बॉस है बॉस, कुछ गलत होगा तो ले लेगा क्लास। वैसे भी 2 दिलों को मिलना ही होता है, फिर तेरी ये स्पीड किसी काम की नहीं होगी। अगर गाड़ी ज्यादा तेज चलाओगी तो ब्रेक फेल हो जाएगी। तुम लोग क्या सिर्फ ताना मारती रहोगी? तुम लोगों की वजह से ही मेरी प्यार की गाड़ी को नजर लग गई है, वरना अब तक तो शादी हो गई होती, 2 बच्चों की माँ होती। तुम सबकी पनौती लग गई है इसलिए ऐसा हो रहा है। इस लड़की का क्या होगा पता नहीं, लगता है इसे गुस्सा आ गया। क्यों
क्यों बे? उस मार्केट को अपना बनाने का कब से सपना देख रहा हूँ, वो सपना कब पूरा होगा मेरा? सर आपका तो सिटी में बहुत सारा बंगला है ना, फिर मार्केट लेके क्या करेंगे सर? अबे फूल, वो मेरी सपनों की रानी, मेरे दिल की धड़कन ने मांगा है उसे। क्यों सर, भाजी की दुकान डालेंगे क्या? अब्बा! वहाँ मेरी डार्लिंग के लिए उस मार्केट को तोड़कर हम दोनों के लिए पैलेस बनाकर और वहीं पर स्विमिंग पूल भी बनाएंगे और फिर हम दोनों स्विमिंग करने के लिए टिप टिप बारिश में, ऐसा गाना गाएंगे क्या सर? अभी समझ गया तू? तो इसके लिए क्या प्लान बना रहा है? अपने पहचान का बाहुबली का गैंग है, वो जहाँ पैर रखता है वो जगह उसके कब्जे में हो जाता है। उसे मार्केट पर भेजकर बीच पर जो भी आए उसको मरवाकर मार्केट अपने कब्जे में ले लेंगे। वेरी गुड, इसमें हमारा सीएम भी शामिल है, जरा संभल कर, अपने लोग वहां नजर नहीं आने चाहिए। ओके सर। क्यों रे, मुझे पता चला सीएम मेरे से बहुत नाराज है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बारे में बहुत लोगों ने शिकायत की है। अब समय आ गया है कुछ करने का। अभी जो इलेक्शन होने वाला है उसके लिए सारे एमएलएस को अपनी तरफ करो, उस सीएम को कुर्सी से हटाना है और मुझे उस कुर्सी पर बैठना है। इस वक्त का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे बेटा, मुझे मेरी पोती को देखने का मन कर रहा है, सपनों में भी आई, बहुत फिक्र हो रही है, फोन लगाओ ना बेटा उसे। सर सर, हा? अमेरिका से बेटी का फोन है। क्या कहा? अरे वाह, मेरे दिल के टुकड़े ने फोन किया है। हेलो हेलो, मेरी सोना कैसी हो मेरी बच्ची? हाय डैडी, हाउ आर यू? ओके ओके बेटी, मैं तो हैप्पी हूँ सोना। ये बताओ तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई कैसी चल रही है? डैडी मेरी प्रैक्टिस कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, इंडिया आते ही एक अच्छे से प्लेस में हॉस्पिटल बनवाना है और लोगों की सेवा करनी है। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटी, तुम इंडिया में जो जगह पसंद करोगी उसी जगह पर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हॉस्पिटल बनवा दूंगा। थैंक यू डैडी। ओके मेरी सोना, लो अपनी मम्मी से बात करो। हाय मम्मी। हेलो मेरी सोना, कैसी है तू? I'm fine. जल्दी इंडिया आ जा, तुझे देखने का बड़ा मन है। जल्दी आऊंगी। हाँ ठीक है ठीक है, ये लो मौसी से बात करो। हेलो मौसी, कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये बताओ इंडिया कब आ रही हो? हाँ जल्दी आऊंगी। ये लो दादी से बात करो। हे दादी माँ। हेलो मेरी प्यारी बेटी, कैसी है तू? कल रात तुझे सपने में देखा, तुझे देखने का मन कर रहा है, तू इंडिया कब आ रही है बेटी? दादी। ये ले चिंटू से बात कर। हेलो दीदी। हाय चिंटू, आप कब आ रही हो दीदी? देखा तुमने चिंटू कितना खुश है। बाय बेटा। बाय। ओके मेरी नन्ही गुड़िया, बाय। ओके बेटा, जल्दी आ जा। बाय बाय। प्लास्टिक की थैली नहीं दे सकती, अपने थैली में ले जाइए। हाँ ठीक, आप भी थैली में रख दीजिए माँ जी। वो बहुत महंगा है माँ जी, आप ये ले लीजिए। हाँ। ताज़ा भी है, ये लीजिए माँ जी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ये रख दीजिए। हाँ आपको क्या चाहिए? मुझे भी एक किलो दे दो। ये लीजिए माँ जी, फल ये बहुत अच्छा है। क्या रेट है इसका? चलो चलो अब चलते हैं। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रही हो? बोल नहीं पाती हो या मौन व्रत रखा है? तुम्हें से पूछ रहा हूँ इसका रेट क्या है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। हे किससे बात कर रही हो, जानती नहीं हो क्या? हाँ जानती हूँ, एक खाकी ड्रेस में एक ठरकी से। बहुत उछल रही हो, क्या बकवास है ये? तुझे देखकर ना मेरा ही नहीं सबका दिमाग सटक जाता है।